दोस्तों रिलायंस जियो की तरफ से नया ऑफर आया है कि आपको मिलेगा 40 GB फ्री डेटा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे आप उस डेटा को गेन कर सकते हैं और क्या है इस डेटा की पूरी पूरी सच्चाई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और 24 दिसंबर 2016 को जब रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने कवर किए अपने जिंदगी के बिजनेस में 40 साल, तो उन्होंने ये ऑफर लॉन्च किया हमारे लिए जहां पर वो हमें देगा 40 GB का फ्री डेटा इंटरनेट पे। अब दोस्तों ये जो डेटा है ये है क्लाउड फॉर्म में, मतलब कि ये सेलुलर डाटा जो कि नॉर्मली अवेलेबल है डेली का 1 GB, उससे थोड़ा थोड़ा अलग है। अब कैसे अलग है आपको मैं ये बताता हूँ। दोस्तों आपको YouTube पे कई सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो कि पूरी तरह से नहीं समझा रही है कि ये डाटा कैसा है, ये आपको बता रही है कि आप नॉर्मली इस डेटा का यूज करके इंटरनेट यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ये डेटा आपको तभी मिलता है जब आप डाउनलोड करते हैं एक एप्लीकेशन जिसका नाम है जियो क्लाउड, और वो जो डाटा है आपको मिलेगा क्लाउड स्टोरेज के फॉर्म में। इसका मतलब कि इंटरनेट की दुनिया में आप 40 GB की जगह खरीद लेते हैं या फिर 40 GB की जगह गेन कर लेते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल वर्ल्ड में कोई गोडाउन खरीदते हैं, वैसे ही वहां इंटरनेट पे आप 40 GB जगह पा गए हैं और वो आपको फ्री में मिल रहा है, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। और फिर वहां पर आप अपना कोई भी डाटा रख सकते हैं, जैसे कि इमेजेस, जैसे कि डॉक्यूमेंट, जैसे कि वीडियोस या फिर म्यूजिक, और फिर आप उसे कहीं भी किसी भी डिवाइस से गेन कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सिमिलर है गूगल के ड्राइव या फिर ड्रॉप बॉक्स की तरह, जहां पर आप इंटरनेट पे अपना डाटा अपलोड करते हैं वहां पर आपको 25 GB का स्टोरेज मिलता है, पर यहाँ जियो दे रहा है आपको 40 GB का डाटा, मतलब कि इंटरनेट पे आप 40 GB डाटा रिजर्व कर लिए हैं। और ये लाइफ लॉन्ग, मतलब कि जिंदगी भर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में या फिर 28 दिन की वैलिडिटी मिल रही है और बाद में आपको परचेज भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये जियो की ओर से बहुत ही अच्छा स्टेप है। आप अगर एक बार डाटा यहाँ पर अपलोड कर देते हैं तो किसी भी डिवाइस में, किसी भी फोन में आप उसको गेन कर सकते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है जियो क्लाउड, और फिर वहां से आप जाके इस डेटा को गेन कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना सकता हूं अगर आप चाहें तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको पूरी वीडियो चाहिए या फिर नहीं। और दोस्तों ये जो डेटा है अगर आपको पसंद आया है, जी हां दोस्तों मुझे तो थोड़ा पसंद आया, क्योंकि बाकी सारी कंपनियां तो आपको केवल इंटरनेट सेलुलर डाटा दे रही है, पर यहां पर आपको क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है जियो की तरफ से। तो इसके लिए इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए तो हमको समझ में आए कि आपको ये डेटा पसंद आया या फिर नहीं। तो जरूर से लाइक का बटन दबाइए, और अगर आपको ना पसंद आया तो डिसलाइक जरूर दबाइए। गुड टू नो, आप ये भी जान लीजिए कि अभी 24 दिसंबर को रिलायंस ने कवर किए अपने बिजनेस इंडस्ट्री में 4 decade, मतलब कि 40 साल कंप्लीट हुए। वहां पर उन्होंने बताया कि जियो इसमें से काफी बड़ा एक प्रॉफिटेबल वेंचर था उनके लिए, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि 160 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं जियो के, जिसका मतलब है कि 16 करोड़ लोग जियो यूज कर रहे हैं इंडिया में। तो काफी अच्छी बात है कि हमारी इंडियन कंपनी ने इतना ग्रोथ लिया है। इसके लिए भी आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपके ख्याल जियो के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए इतना ही, चलता हूं, बाय।